तो बच्चा पार्टी यहाँ पे लिखो बाबू लाइव, मतलब आप ना लिखो, मैं लिख रहा हूँ अपने हिसाब के लिए। लाइव ट्वेल्व है आज, क्लास 9th का NCERT मैथ्स। हाँ चलो, तो एक्सरसाइज आपका चलेगा 2.1, क्वेश्चन नंबर होगा सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गुणांक क्या होता है। पहले तो क्वेश्चन, आप लोग किताब लिए हो तो जान ही रहे हो। निम्न में से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। निम्न में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, ये बताना है। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशियंट बोलते हैं। तो बच्चा इसके आगे दिख रहा है ना, देखिए मैंने आपको चर और अचर पढ़ाया है। जब आपका दूसरा चैप्टर शुरू हुआ उसके पहले ही इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना, आयुष्का राय। हाँ ठीक है, CBSE के लिए भी है। गुणांक को इंग्लिश में कॉफिशियंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉफिशियंट बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चा चलो लिखो लिखो लिखो, इसका जो पहला है सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है, तो 2 + x² + x, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट निकालना है। तो बच्चा लोग ये देखो, इसमें यक्स का स्क्वायर है कहाँ? यहाँ कहीं एक रेड पेन थी, मैं उसको भी लेता तो अच्छा रहता। यक्स का स्क्वायर जो है वो देखो तो ये दिख रहा है ना, ये है। तो हम इस पद को पकड़ेंगे। अर्पित यादव जी बहुत अच्छे मैथमेटिक्स गुरु जी, वेरी गुड। यक्स स्क्वायर, इसके साथ देखो गुणा में कोई गिनती है क्या? नहीं है। आप कहोगे ये कौन सी बात बता रहे हो, एक मिनट, ये तो पूरा छेका हुआ यार, इसको थोड़ा साइड करता हूँ, ये लो बस। चलो अब देखो, इसके साथ कोई गिनती नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझ लो, जैसे अगर ये 7x² होता तो यहाँ पर हम कहते कि यक्स स्क्वायर के साथ गुणा में 7 है, क्या है? 7 है। अगर ये 19x² होता तो यहाँ पर हम कहते कि यक्स स्क्वायर के साथ गुणा में 19 है। समझ रहे हो ना बच्चा? तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर की गुणांक की बात करें, अगर कोफिशियंट की बात करें तो वो 7 है, क्या है? 7 है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो क्या होगा बताओ? रंजू देवी आप बताओ, धोनी गुप्ता, सूरज ब्रो, सचेत टेक्निकल इंडिया, बताओ चलो क्या होगा? अबे कोशिश करो ना यार थोड़ा सा, मतलब मैं पूरा बता दूं तुम्हें सब, तुम छाप लो बस, इसीलिए पैदा हुए हो का। हाँ थोड़ा कोशिश करो, ठीक है। तो उसी आधार पे हम इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, मतलब कोई गिनती नहीं दिख रही है। तो बच्चा अगर कोई गिनती नहीं होती है ऐसी स्थिति में, जो गुणांक होता है वो 1 माना जाता है। क्या होता है? 1 माना जाता है। शिवम कुमार का सबसे पहला जवाब आया 19 होगा, बिल्कुल सही जवाब है, 19 आएगा यहाँ पे, क्या होगा? 19 होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे कपिल, ठीक है। विकास सिंह, ओके, यहाँ पे क्या 1 है। यही स्थिति घात में भी होती है बच्चा, अगर यहाँ पे यक्स है ना, इसकी कोई घात नहीं, खोपड़ी पे कोई नहीं बैठा इसके, तो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो यहाँ पे घात की बात करें, अगर कुछ नहीं तब भी 1 होती है। तो उस तरह से इसका जो गुणांक है क्या है? 1 है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पर सीधा सीधा मैं नहीं बता सकता कि आपको सिर्फ आंसर बता दूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हर किसी को समझाना। तो जो इसमें ज़्यादा मास्टर बनते हैं उनको कभी नहीं पढ़ना और ना वो हमारे यहाँ पढ़ पाएंगे, जिनको सीखना है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे। तो लिख लो नीचे, किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 1, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 1, बस हो गया, यही तो निकालना था। अब तुम कहो कि कोफिशियंट की स्पेलिंग भी नहीं आ रही भाई, हाँ स्पेलिंग तो जानबे करते हो, क्या लिखूँ फालतू, मुझे तो हिंदी मीडियम पढ़ाना, लेकिन मैं इंग्लिश बता दे रहा हूँ, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उनके में कुछ ऐसा होगा, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इंग्लिश मीडियम की बुक मैंने तो नहीं देखा, मेरे पास तो नहीं, हिंदी मीडियम है, लेकिन उनके में ऐसे ही कुछ लिखा होगा ना, मतलब फॉलोइंग इक्वेशन के उनको कोफिशियंट फाइंड करना है, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ऐसे कुछ करके होगा सेंटेंस जो भी होगा, ठीक है। चलें, गीता मौर्या, हाँ राज वर्मा बेटा बहुत अच्छा कह रहे हो तुम, पढ़ लें तब बात करें ना, ठीक
ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम सुधर तो रहे हो तुम। चलो अच्छा एक बात बताओ, इसका जो सेकंड पार्ट है, जितने भी बच्चे एनसीईआरटी बुक लिए हैं सब में मिल रहा है सीधा सीधा, ये है 2 - x² और प्लस एक्स का क्यूब है, तो बच्चा इसमें क्या होगा भैया? राजा इसमें क्या होगा? हाँ सोचो एक बार, ऐसे ये भी है वैसे ये भी है, कोई बताए नहीं मन। गेमिंग मीना, आर्या फैमिली, बहुत अच्छी बात है तुम लेट हो गई, तुम कल भी लेट होना। हाँ कल भी लेट होना, तुम्हें अवार्ड देंगे लास्ट में, हम पढ़ा देंगे तो सबको, क्योंकि तुम रोज़ लेट आती थी इसलिए। चलो लौकुश, देखो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आपका कमेंट नहीं आ रहा होगा, तो अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हो कमेंट करने की ना, तो बच्चा आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप भी कमेंट कर पाओ, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे रोज़ पढ़ना है और फ्री पढ़ना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को लाइक करो, ये दो काम है आपके लिए। जो बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ये इतना तीन काम करेंगे, उन्हें यूट्यूब पर हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, साइंस मैथमेटिक्स इंग्लिश जो मेन मेन सब्जेक्ट है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है क्लास को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब सिर्फ एक दिन होगा, रोज़ नहीं होगा, सिर्फ एक दिन सब्सक्राइब होता है, लाइक और शेयर रोज़। चलो तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पते की बात। तो बेटा इसमें जो पद है वो क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर है। एक बात ध्यान देना, जो इंसान अपना कर्म करता है ना, मरने के बाद कहते हैं साथ में लेके वही जाता है, जो अच्छा काम करता है जब वो मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं आकर के, भाई फलाने बहुत अच्छा आदमी रहे, बहुत नीक आदमी रहे, मतलब नेक आदमी रहे। हा? वो क्या करते थे? हर किसी की हेल्प करते थे, हर किसी की सहायता करते थे। और कोई ऐसा बुड्ढा है जो राहिन जा रहा गरिया रहा सबको लाठी फेंक फेंक मार रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे भले मर गया बुढ़ावा यार, बहुत ख़राब आदमी रहा, बहुत लाठी बह बह मारत रहा, समझ रहे हो ना। तो ये मैंने क्यों बताया? इसलिए कि ये माइनस में है, ये पद किस में है? माइनस में है, तो ये माइनस के साथ ही नीचे उतरेगा, मतलब इसका कर्म है ऐसा समझ लो। तो माइनस का एक्स स्क्वायर क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसमें बच्चा जो गुणांक होगा वो माइनस वन होगा। क्या होगा? माइनस वन। अगर कोई भी पद माइनस में है तो उसका गुणांक भी क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। बेटा यादव जी गेमिंग, तुम जी एफ वूएफ तो नहीं बना पाओगे लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जरूर, ये कंफर्म है, समझ रहे हो ना। क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, पढ़ने का टाइम है पढ़ लो। देखो ये कमेंट कर रहे हैं मेरी जी एफ बनोगी, अबे तुम किस काम के हो बताओ, तुम्हारा कोई क्यों बनेगा? हाँ किसी काम के हो बताओ, आजकल लोग क्या खोजते हैं मालूम है तुम्हें? किसी काम का होना चाहिए बंदा, और तुम किसी काम के हो नहीं। हाँ करोगे क्या तुम? ना तुम पढ़ लिख रहे हो, हाँ ना तुम कमा रहे हो, तो आखिर क्या करोगे? नाम के ही बनोगे कहा कि कुछ काम भी रहेगा। हाँ चलो आगे, तो पढ़ लो इसलिए, यहाँ पे समझो। अगला इसका जवाब दे दो तो मैं तुम्हारी बनवा देता हूँ आज। चलो चलो चलो, अगर तुम एक क्वेश्चन का जवाब दे दो तो मैं आज से तुम्हारी फिक्स करवा देता हूँ। पाई अपान टू यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। चलो भाई बताओ, यादव जी गेमिंग, यादव को ब्लॉक न, वो भाई बदनाम ना करो, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा ये बताओ तुम। हाँ मनोज सिंह सही बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे हैं छोटे हैं तो एक आध बार देख लेता हूँ मैं भी मज़े में, बाद में इनको ब्लॉक तो करूँगा ही, मुझे मालूम है अगर दोबारा फिर यही करेंगे तो, वो तो बोलूँगा नहीं, ब्लॉक करते समय बोलना नहीं जाता है, चुप्पे से ब्लॉक कर दिया जाता है, छटपटा देंगे बस। क्या होगा कोई बताएगा? मनु राजपूत, भैरव गेमिंग, पूजा कुमारी, रंजू, चिराग, बलराम, सरवन, हिमांशु, प्रीतम, तनु, जेके लाइट, बहुत अच्छे तुम लोग, काफ़ी फास्ट जा रहे हो यार। कमेंट और फ्री कर दूं क्या? हाँ मुझे लग रहा है कुछ समय होल्ड किया गया ना कमेंट, 15 सेकंड होल्ड है ना, नहीं 15 सेकंड ज़रूरी भी है ना कि नहीं ज़रूरी है? लो बंदी कर देता हूँ एकदम से, खूब कमेंट करो दाब के, चलो हाँ खूब करो, खूब खूब दाब के कमेंट करो, चलो ओके गुड। हाँ तो ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है तो हम पूरा पूरा पद पहले उतारेंगे, समझ रहे हो ना, पूरा पूरा पद। जैसे ये समझ लो कि अगर किसी के इंसान के पेट में बीमारी है तो डॉक्टर के पास पूरा इंसान ले जाना पड़ेगा। हाँ ऐसा तो नहीं उसका पेट निकाल के ले जाओगे, नहीं ना। तो वैसे ही कुछ इसमें क्या है,
इसमें हमें जिसमें फाइंड करना है वो एक्स स्क्वायर में क्या करना है, कोफिशियंट फाइंड करना है, गुणांक। तो हम पूरा पूरा पद लेंगे, मतलब ये एक्स स्क्वायर तो लेंगे ही, इसके साथ में क्या है पाई अपान टू। तो इसका जो गुणांक, मतलब इसके साथ गुणा में क्या लगा है, मतलब गुणा में लगा हुआ अंक ही क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, गुणांक कहलाता है। तो ये पाई अपान टू क्या होगा, इसका गुणांक होगा। ठीक है, समझ गए ना सभी बच्चे, किसी को कोई परेशानी आफत कोई मुसीबत नहीं ना। देखो मैं सामने से हट जाता हूँ तो तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे कि आगे इसे लिख सको। तो बच्चा ये तो आपका पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए ख़त्म। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म, थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे कमेंट करके कि कौन कौन बुक लिया है कौन कौन नहीं लिया है, ईमानदारी से बताएंगे। जो बुक लिए हैं वो हाँ बोलेंगे और जो नहीं लिए हैं ना वो ना बोलेंगे। चलो बताओ किताब लिए हो ना। देखो ये पूछना मेरा फर्ज इसलिए है क्योंकि बिना किताब के बेटा तुम्हें समझ में तो आएगा नहीं, हाँ छटपटाओगे चाहे जितना आएगा नहीं। तो एनसीईआरटी किताबें ले लो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई है, कहीं से भी हो, किसी भी बोर्ड से हो आप, लेकिन आप किताबें ज़रूर रखो, ठीक है। सीबीएसई वालों के लिए ये है, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, क्वेश्चन सेम है। अगर आप मिलाओगे तो क्वेश्चन सेम है, कोई भी अंतर नहीं सीबीएसई में, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ठीक है। रेनू चौधरी, ठीक है, वेरी गुड। बंटी, सभी किताब लिए हो? इसमें कुछ झूठा बोल रहे हैं उनको तो हम लतिया लतिया मारेंगे, वो जान लो, समझ लो, झूठ नहीं बोलना। हाँ, जो झूठ बोल रहा ना उसका घाटा होने वाला है बेटा, क्योंकि झूठ नहीं बोलना। चलो घाटा कहाँ से होगा वो बताएंगे, तुमको नोट्स वगैरह नहीं मिलेगा जो झूठ बोलेगा, और क्या। हाँ चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किताब उताब ले लो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा बच्चा कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का, ना हाँ, एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चा जो द्विपद होता है बच्चा बाबू, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। ये जो सीबीएसई वाले हैं वो लिख लें, बाइनोमियल। ये क्या होता है? द्विपद। क्या होता है ये? द्विपद। हाँ सही लिखा हूँ ना हिंदी? हाँ, द्विपद का उदाहरण। और क्या है? एक पद का। एक पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मैंने आपको बताया था ना, ये मोनोमियल, जिनमें ओनली वन टर्म्स होता है, एक पद। तो लिख लो ना, अब इसमें रोका किसने है। मैंने तुम्हें चर अचर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, चर अचर पढ़ाते समय मैंने कहा था कि बेटा तुम्हें मैथमेटिक्स की वैक्सीन लगा दे रहे हैं, तुम्हें मैथ वाली कभी बीमारी नहीं होगी, लेकिन तुम पढ़े ही नहीं तो मैं क्या करूँ। हाँ, तब तो तुम साक्षी का कमेंट देख रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था। आज क्या होगा, ऐसे देखो फिर रिजल्ट आएगा। हाँ, ये कोरोना दादा हरदम साथ नहीं देने वाले, ये जा रहे हैं, इनकी विदाई हो रही है, रिजल्ट आएगा तो मुँह लटकाना। हाँ चलो ना पढ़ो, ये जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए है। तो बच्चा द्विपद का मतलब होता है वही जिसमें द्विपद हो। हाँ, द्विपद हो मतलब टू टर्म्स, पद मीन्स टर्म्स इंग्लिश में, ठीक है, ये टर्म्स मतलब पद। तो द्विपद हो लेकिन घात कितनी हो? 35 हो। तो तुम कुछ भी बना सकते हो इस तरह का। एक छोटा सा उदाहरण अगर ले लो, चाहे तो यक्ष का घात 35 और प्लस 7, ये भी हो गया। कुछ लोग कहेंगे नहीं गुरु जी हमारे किताबी हम तो कुछ और दिया है। तो बच्चा देखो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, y का घात 35 और माइनस का 9। मतलब कुल मिला के सीखो, मतलब पूछा क्या है, हमें कोई एक चर पद लेना है, चर कुल मिला के 26 है। जानते हो ना, चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल? 26। भाई हमें तो इतना ही मालूम है, अगर आप सभी को कुछ और एक्स्ट्रा मालूम है तो बता देना, हम अभी सीख लेंगे। हाँ चलो, तो 26 है, तो उसमें से कोई भी आप एक वेरिएबल लोगे, कोई भी एक ले लो, चाहे एक्स ले लो, वाई ले लो, ए ले लो, बी ले लो, डी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसमें क्योंकि ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि हाँ क्या लेना है, उसकी घात कितना लगाना है? 35, और उसमें एक छोटा कौवा ला के लटका देना बगल में,
नहीं, उसकी जोड़ी बनाना जरूरी है। अगर नहीं बनाओगे जोड़ी तब वो एक पद हो जाएगा, तब वो मोनोमियल हो जाएगा, मतलब उसका जोड़ा बनाना जरूरी है। उसके साथ में कोई ना कोई गिनती जोड़ोगे या घटाओगे। अब कुछ लोग कहेंगे काहे गुरु जी गिनती है जोड़ेंगे का, नहीं इसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो, वाई का घात 35 और प्लस का यक्स वो वाई जोड़ दो। हाँ ये भी है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके अलावा तुम और भी कुछ कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये घात 35 ही होनी चाहिए। ये 35 नहीं कम होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए बस, बाकी तुम कुछ भी लिखो साथ में। और एक चीज़ और समझ लो भाई, दो ये लोग होना चाहिए, तीन हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यानी इसमें तुम एकाठी और भी नहीं जोड़ सकते हो, तब तो फिर ये कुछ और हो गया। एक पद अगर आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो फिर ये द्विपद नहीं रहा, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द्विपद का ही निकालना है। तो तुमको क्या करना है, द्विपद से अधिक नहीं करना है बस, यानी द्विपद होना चाहिए, कोई भी चर हो कुछ भी हो। ठीक है, संतोष त्रिपाठी समझ में आ रहा है, असम मलिक विशाल समझ में आ रहा है ना बच्चा, मनोज सिंह। अच्छा एक बात बताओ, मेरी आवाज़ फट रही है क्या, मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आवाज़ जो है मतलब मधुर मधुर नहीं निकल रही अच्छे से, मतलब बड़ी मतलब चुभ रही है। चुभने का मतलब जान रहे हो, जैसे बहुत तेज कोई बोलता है ना तो आवाज़ चुभती है, तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या? हाँ ऐसा कुछ लगेगा तो बता देना, क्योंकि थोड़ा धीम करना पड़ेगा सिस्टम, यहाँ से तेज होगा ना। हाँ ऐसा कुछ है का, फिर आवाज़ धीमा हो जाएगी, फिर मतलब आपको थोड़ा धीमा सुनाई पड़ेगा, बहुत तेज नहीं सुनाई पड़ेगा। ठीक है फिर आगे चलें। चलो थोड़ा सा मैं बैलून धीमा कर देता हूँ आवाज़ का, अब देखोगे आप तो आपको आवाज़ थोड़ा कम सुनाई पड़ेगी, बता देना अगर कम हो जाएगी। ठीक है चलो, तो एक पद का क्या कह रहा था, 100 घात की एक पद का, 100 घात की। तो बच्चा कोई भी एक ठीक पकड़ लो ऐसे, उसके ऊपर खोपड़ी 100 लगा दो बस, ये हो गया। अब तुम कहोगे काहे गुरु जी वाई पर ही 100 लगाएंगे, इसी से दुश्मनी है का, नहीं तुम कुछ भी यक्ष लिख के उसके ऊपर 100 लगा दो, हाँ ए लिख के उसके ऊपर 100 लगा दो, क्या करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो तुम इसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये 100 नहीं कम होना चाहिए, 100 रहना चाहिए खोपड़ी पे, इसके साथ में कोई जुड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई जुड़ा तो बात गड़बड़ हुई, हाँ समझ रहे हो ना, जैसे तुम पढ़ रहे हो अकेले हो ठीक ठाक है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन तुम्हारा कोई आ गया या आ गई ना तो तुम्हारा मामला डिस्टर्ब हो जाता, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। तो बस वैसे है, इसको भी अकेले ही रखना है, डबल नहीं होना चाहिए, तभी चलेगा अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हो ना, तो ये सिंगल ही होना चाहिए बस। हम फिलहाल लिखे हैं वाई का 100, हमें यही अच्छा लग रहा था, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। प्रेमचंद बच्चा समझ में आ रहा है, हाँ कुंदन, कुंदन पंडित जी समझ में आया, हाँ चलो। नाम तुम्हारा है लव गर्ल, तो तुमको क्लास में कहाँ मजा आएगा, हाँ बताओ, नहीं आएगा ना। अब ये कह रहे हैं कि आज की क्लास बोरिंग लग रही है, बोरिंग मतलब इनको कुछ गर्मा गर्म चाहिए, हाँ मतलब मैं पढ़ाना बंद करके कुछ और करूँ, तो भाई ये हम नहीं कर सकते ना, हमारा पैसा कोई अलग है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ लो, गाना वाना सुना देंगे, डांस वांस कर देंगे, अभी रुको थोड़े देर, पहले पढ़ लो। हाँ अगला क्वेश्चन तीसरा हो गया, चौथा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, फाइंड द पावर, मतलब आपको दिए गए इक्वेशन की घात निकालना है। क्या निकालना है, घात निकालना है। आप लोग जानते हो घात क्या होती है, हाँ देखो बच्चा घात में क्या करना है, कह रहा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है घात ज्ञात कीजिए, ये बताओ सबके बुक में मिल रहा है भैया क्वेश्चन। देखो बच्चा अगर नहीं मिल रहा है ना तो तुम बहुपद चैप्टर खोलो, पॉलिनोमियल जो है, हाँ और तरीका सीखो। मान लो हो सकता है हमने यहाँ पे इक्वेशन में कुछ और लिखा है, तुम्हारी किताब में इक्वेशन कुछ और हो, तो आप ये सीखो कि घात निकालते कैसे हैं। आप समीकरण पे बिल्कुल ध्यान ना दो कि आपकी बुक में क्या समीकरण है, यहाँ पे क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, तुम तरीका सीख लो बस, समझ रहे हो ना। हाँ समझ रहे हो ना, जैसे तुम्हें मान लो फलाने घर जाएगा है, हाँ किसी के घर जाना है, और उस घर जाने का कई रास्ता है, हाँ उस घर जाने का कई रास्ता है, तो तुमको केवल मतलब उसका घर मालूम होना चाहिए बस,
अब तुम किसी भी रास्ते से उसके घर जाओ, पहुंचोगे तो वहीं ना। हाँ भाई सीधी सी बात है, ऐसा समझ लो मान लो तुम्हें स्कूल जाना है, अब स्कूल जाने का तुम्हारे घर से कई रास्ता है, हाँ चाहे खेतारिया कहीं चले जाओ, चाहे हाईवे रोड से होके जाओ, हाँ चाहे फलाने के पिछवाड़े से जाओ, तो मतलब तीन रास्ता है ना, तो तुम्हें स्कूल पता होना चाहिए कहाँ है। तुम किसी भी रास्ता जाओ पहुँचोगे स्कूल ना। तो वैसे ये गणित का क्वेश्चन है, तुम्हारी किताब किसी भी प्रकाशन की है, ये एक्सरसाइज किसी भी नंबर पे है, चाहे दूसरे पे है, पचवें पे है, कहीं भी है, तुम्हें केवल तरीका आना चाहिए, तुम पहुंचोगे वहीं। हाँ समझ रहे हो ना, नहीं तो किताब में क्वेश्चन ढूंढोगे, अरे गुरुजी हमारे मिलते ना ना, हमारे मिलते ना ना, हम काहे पढ़े, हमारे काम का नहीं है, तो फिर ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। समझ गए ना। चलो देखो, वैल्यूम कम हो गई क्या, आवाज़ कम आ रही क्या? रास्ता जाओ पहुँचोगे स्कूल, आवाज़ सही तो आ रही भाई। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे हाँ बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहला जो बहुपद है वह चल जा भाई। चलो देखो 5x³ प्लस 4x का स्क्वायर और प्लस 7x, इसमें कितनी घात होगी, कोई बताएगा इसका आंसर? हाँ पीयूसी स्टूडियो, आवाज़ तो सही आ रही बच्चा। अच्छा जिसके में धीमा आ रही होगी तो चलो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, उसमें क्या करना है लो। ठीक है मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब आवाज़ थोड़ा और तेज़ हो गई होगी क्योंकि कुछ लोगों का सिस्टम धीमा होता है। तो बच्चा देखो समझो यहाँ पे, कमाल कमाल के स्टूडेंट है, मैं क्या कहूँ। बहुपद की घात बराबर 3, इसमें जितने भी पद दिए गए हैं उसमें जो अधिकतम घात है, जो अधिकतम घात है, जैसे देखो इस पे 3 घात है, इस पे 2 है, इस पे कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है, तो बच्चा जो सबसे बड़ी घात है उसी को बहुपद की घात माना जाता है। समझ रहे हो ना, उसी को बहुपद की घात माना जाता है। जैसे घर में देख लो अगर 4 भाई हैं तो जो सबसे बड़ा है ना वो नेता बनता ज़्यादा, हाँ वही मालिक रहता है। मम्मी पापा लोग कहते हैं भाई ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी की है। ऐसा होता है कभी आपके घर में कि नहीं, कोई बहन है या भाई है जो सबसे बड़ा होता है, वो सबको दूध पटाखा मार मार कंट्रोल किए रहता है। लेकिन हमारे लोग कहाँ मानने वाले हैं, हम काहे मानेंगे उनका कहना, है ना। हमारे आज के जो नए समाज के बच्चे हैं वो भले कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, उनकी दीदी या उनके भैया भले उनसे 10 साल बड़े हैं, लेकिन वो कहना नहीं मानेंगे, वो कहेंगे पढ़ ले लड़के पढ़ ले, कहेगा हम पढ़ी चाहे ना पढ़ी तो से कहा मतलब। सुने हो कि नहीं, ऐसा देश समाज में होता है ना, हाँ पढ़ी चाहे ना पढ़ी तो से कहा मतलब। तो ये सब हमारे यहाँ की सच्चाई है, हमारे देश के गांव की, हाँ शहर की, हमारे का मतलब हमारे नहीं तो रोक यहाँ इसे। हाँ चलो हो गया, समझ में आया ना। अगले पे चलें, सेकेंड वाला देखो 4 - y² इसमें कोई बताए क्या होगी घात, एनीवन कोई बताए। देखो बच्चा इसमें जो है अगर आप देखो तो y का घात 2 है, बाकी तो कोई घात वात है नहीं, तो इसमें बहुपद की घात 2 होगी, क्या होगी 2 होगी, ठीक है कितना होगी 2। समझ में आ रहा ना सबको, सबको समझ में आ रहा ना, मज़ा आ रही कि नहीं। देखो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो सेशन को बच्चा, देखो मुझे नहीं मज़ा आ रही है जान लो तुम, ठीक है। ये क्लास शुरू होने के पहले 100 बच्चों ने लाइक किया था, जब शुरू नहीं हुई थी तभी कई दिन से शेड्यूल थी, यानी आप लोगों ने लाइक नहीं किया, आधे बच्चे लाइक नहीं करे। बाबू यार क्लास को लाइक करो भाई, मैं तो आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ करो ना। कम से कम 350 प्लस लाइक होना चाहिए अभी, 350 प्लस तुरंत, क्योंकि बच्चे अगर 250-300 हैं तो लाइक तो उसका मतलब ज़्यादा ही होना चाहिए ना, क्योंकि कुछ बच्चे आते जाते रहते हैं। चलो तो आप लोग फटाफट इस सेशन को लाइक करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। लेकिन उसके पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, वो बताना ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँगा, लेकिन पहले तुम लाइक करो तब। चलो फटाफट भाई, देखो टाइम ना बिताओ, सबका नुकसान होता है, समय बहुत कीमती है बेटा, दोबारा मिलने वाला नहीं है। समय कहता है कि मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं दोबारा तुम्हें समय दूँ, हाँ समय कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा समय दूँ। तो बच्चा हो इसमें का एक ठी पार्ट है इसी घातांक वाले का 3, 3 का कितना पावर होगी ये पूछ रहा है, मतलब ये भी क्या है, इसकी भी आपको घात बताना है। लेकिन ये मुझे लग रहा थोड़ा गलत लिखा है, का क्वेश्चन तो था बहुपद की घात, लेकिन आपका दिया है तो मुझे करना ही है।
देखो अगर कोई भी अचर पद है वो मैं बता रहा हूँ, जल्दी से लाइक करो यार भाई, देखो मजा नहीं आ रही, मतलब दिल मत तोड़ो अंदर से कि एकदम चकनाचूर हो जाए। हाँ कुछ लायक तो बचा रहने दो, चलो जल्दी करो जल्दी करो, 100/300 तो करो। और जो भी साथी हमारे शेयर नहीं करे क्लास को वो शेयर जरूर कर दें। देखो एक ही नालायक जुड़ा है, आदेश स्टडी इनका नाम है, स्टडी ये इतना बड़ा मैं क्या कहूँ, नहीं बोलना चाहिए इनका, स्टडी का स्पेलिंग भी गलत है ये जो नाम में लिखे हैं। और ये काफ़ी देर से परेशान है, प्रियंका तुम फेसबुक चलाती हो कि नहीं बता दो तो इनकी ज़िंदगी पार हो जाए अगर फेसबुक चलाती हो तो, बाकी तो इनको इस दुनिया में कुछ मिलेगा नहीं। हाँ अब तुम यही बता दो कि फेसबुक चलाती हो कि नहीं बेटा, पढ़ लो नहीं फेसबुक नहीं, हाँ बुक छोड़ के फेसबुक में लगोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। जो भी लाइक नहीं करेगा उसको डॉग काटेगा, देखो कमाल कमाल के हमारे बच्चे हैं। तो भाई जल्दी करो फटाफट यार, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बच्चा समझो, कर दोगे आप मुझे मालूम है, आप लोग हमारे बहुत फेवरेट बच्चे हैं, बहुत अच्छे सुंदर स्मार्ट क्यूट। चलो ये क्या है, थ्री थ्री क्या है, एक अचर पद है, क्या है अचर पद है जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब जानते हो तुम, कांस्टेंट मतलब अचर पद, यानी गिनती वाला कोई भी अगर संख्या है, कोई नंबर है, कोई अंक है, डिजिट है, तो वो क्या है अचर पद है। और इसकी घात हमेशा जीरो मानी जाती है, क्या होती है जीरो, इसकी घात हमेशा शून्य मानी जाती है। ठीक है बात समझ रहे हो ना बच्चा, क्या मानी जाती है जीरो मानी जाती है। तो उसी आधार पे बता दो बेटा, इसमें क्वेश्चन तो नहीं है, मैं वैसे तुमसे पूछ रहा हूँ कि 195 का घात कितनी होगी, व्हाट इज द पावर ऑफ 195, जल्दी बताओ तुरंत बताओ एंजल। ठीक है बहुत बहुत थैंक यू आपको, दिल से थैंक यू, अच्छा वाला थैंक यू, सुंदर वाला थैंक यू। चलो 195 की घात कितनी होगी, देखो क्वेश्चन पूछूँ ना तो ईमानदारी से बताओ, नहीं पटक के मारेंगे जान लो। हाँ सुना करो कुछ, सपना पीयूष जेके रश्मि टेक्निकल इंडिया प्रीतम, ठीक है बच्चे बहुत अच्छे, हजारों बच्चों के कमेंट आ रहे हैं भाई, हाँ हजारों से भी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं आज। चलो ठीक है, तो किसी भी अचर पद यानी कि कांस्टेंट की पावर हमेशा जीरो होती है, हमेशा शून्य होती है, और किसी भी चर पद की घात हमेशा वन होती है अगर वो अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो उसकी घात हमेशा वन होती है। ठीक है समझ रहे हो ना, अभी तक इन्होंने लव गर्ल लिखा था, मैथ लव गर्ल लिख लिया, क्योंकि मैंने इनको कुछ बोल दिया तो इनको लगा नहीं मैथ लिख लूँ तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारा दिमाग तो जागा। तो बच्चा ये चार हो गया, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा पढ़ो, चलो लाल टोपी तुम ही पढ़ो, हाँ हाँ पढ़ो पांचवा क्वेश्चन पढ़ो, क्या है फाइव नंबर क्वेश्चन रीड करो मतलब पढ़ो। देखो मैं बता रहा हूँ, कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं, कौन त्रिघाती हैं, मतलब बताना है कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं, कौन त्रिघाती हैं, ये बताना है। ठीक है तो आप लोग बहुपद तो जनबे करते हो, एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है क्लास 9th का NCERT मैथमेटिक्स, और 2.1 में बेटा खोल लो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है प्रश्नावली आप में लिखा है, अध्याय लिखा है, कुछ भी लिखा है 2.1 खोल लो। चलो चलो देखो यहाँ पे समझो, हाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स, कह रहा है ये द्विपदी है या त्रिपदी है या फिर रैखिक बहुपद है, किस तरह का बहुपद है बताओ। लक्ष्मी वर्मा ये कमेंट आ रहा आपका, भाई कोशिश कर लो फटाफट टाइम है, हाँ राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट, तो लूट लो अभी टाइम है। चलो बताओ यशराज सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत थैंक यू, ढेर सारा थैंक यू। इतने कमीने टाइप के कुछ जुड़े हैं ना कि मैं इनको बोलूं तो लोगों को बुरा लगेगा, जाने दो चलो छोड़ो। चलो देखो इसमें क्या कह रहा है, हमें क्या करना है इसमें बताना है कि कितना पद है। देखो बच्चा जितना इसमें प्लस माइनस बीच में लगा है, मैं ऐसे बताऊं अगर
अगर बीच में एक प्लस है या एक माइनस है तब पदों की संख्या दो होगी, अगर बीच में दो प्लस है या दो माइनस है तब पदों की संख्या क्या होगी, तीन होगी। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा, तो तुम ऐसे समझ नहीं पाओगे। इधर देखो, ये x का स्क्वायर है प्लस x है ना, इसमें दो पद हैं, एक पद ये है एक पद ये है, और इसी के आधार पे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं नया अपनी तरफ से, तो बच्चा ये बताओ इसमें कितना पद है, हाँ इसमें कितना पद है बच्चा, लल्लू लाल कितना पद है हमें बताओ, साक्षी यादव, आर्या फैमिली, गोपाल, संतोष, नरेश, चिराग, प्रीतम, गोपी यादव, आयुष, पूजा, ठीक है। देखो मतलब समझो, ये भैया द्विघात है, हमें एक घात है, इनका जो है सिस्टम वो बराबर नहीं है एक दूसरे के, ये एक दूसरे में जुड़ नहीं सकते हैं, जुड़ेंगे भी तो बगल बगल बैठे रहेंगे। ऐसे मान लो कि किसी मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो कहीं चले भी जाएं अगर, तब भी उधर उधर को मुंह करके बैठे हैं, एकटी उधर को एकटी उधर को, हाँ मतलब दोनों अलग अलग तरफ को मुंह करके बैठे हैं, तो ये क्या होंगे, मतलब चाह के भी नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों की जो घातें हैं वो अलग अलग हैं, घातांक बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर जोड़ेंगे तब भी आंसर इतना ही आएगा, ये जितना है उतना ही आएगा। इसमें कहोगे कि आप तो बताए थे अगर एक चिन्ह है, अगर एक चिन्ह है तो दो पद माना जाता है, तो बच्चा देखो इनकी घातें बराबर हैं, घात बराबर है ना बच्चा, हाँ घात बराबर है ना, तो जब घात बराबर होती है तो इनके गुणांक गुणांक जुड़ जाते हैं, तो इसका फाइनल में आ जाएगा 2x का स्क्वायर, तो ये एक पद है, कितना पद है, एक पद है। तो हम पदों को तभी डिसाइड कर सकते हैं कितना पद है उसमें, जब उनका कैलकुलेशन एकदम अंतिम चरण तक कर लें कि इसके आगे अब कोई गुंजाइश नहीं है। बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और मैं देख नहीं पाया अभी तक, अभी ये बंद भी होने वाला था। अरे काहे को बज रहा है, बेइज्जती ना करवाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ मैं लगा दूँ। चलो ठीक है, चार्ज होगा। तो इसमें पदों की संख्या कितना है, एक है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ ये क्वाड्रेटिक आपका कह सकते हो, लेकिन इसको नहीं कह सकते हो, मोनोमियल है ये। चलो कुछ समझ रहे हो ना, एक पदी द्विपदी की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे ही कुछ और भी था ना, द्विपद एक पदी, हाँ वही था, ठीक है। तो ये क्या है, एक पदी कह सकते हो इसको, ये एक पदी बहुपद है, द्विपद नहीं कह सकते हो इसको, क्योंकि ये क्या हो रहा है, फाइनल में हल हो जा रहा है, तो अगर आप उसे हल करते हो, सिंप्लीफाई करते हो और वो हो जाता है, तो फाइनल में जो बचता है वही उसका क्या करेगा, निर्णय करेगा कि वो एक पदी है कि द्विपदी है, समझ रहे हो ना। तो किसी को बाहर से फटा पुराना कपड़ा पहने और साइकिल पे जा रहा है तो उसको गरीब मत समझना, हो सकता है वो एक BMW का पैसा जेब में रखा हो, हाँ समझ रहे हो ना। और कोई बढ़िया से अगर कॉलर खोल के जा रहा है चौड़िया के गाड़ी से, तो इसका मतलब वो राजा नहीं है, हो सकता है वो कर्जे लेके गाड़ी लिया हो, हमारे देश में भौकाल चलता है, समझ रहे हो ना, हमारे देश में भौकाल चलता है। इसका उदाहरण मैं इसलिए बताया कि जो ये क्वेश्चन है ना, उसको देख करके तुम पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो एक पदी है, द्विपदी है, तीन पदी है, पहले उसे समझना होगा, हल करना होगा, लास्ट में वो जाके क्लियर होगा, ठीक है। तो अगला देखो, ये बुक वाला है आपका x माइनस x का क्यूब, ये कितना पदी है बताओ, ये कितना पदी है बोलो, गीता मौर्य, धोनी, मनीष, आरती गुप्ता, हीना साहू। देखो इसमें अगर आप कोशिश करो हल करने का, तो इसमें कुछ होगा का, भैया इनकी एक घात है, इनकी तीन घात है, ये किसी भी तरह से एक दूसरे के बराबर है नहीं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, हाँ कुछ नहीं होने वाला बेटा। तो ये द्विपदी है, क्या है, द्विपदी। एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूँ, आप पढ़ रहे हो कक्षा 9 की NCERT मैथ, एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है, अध्याय 2.1 चल रहा है, प्रश्नावली 2.1 चल रही है, सवाल नंबर, प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, और 5 में सेकंड है दूसरा पार्ट, कुछ समझ आया। चलो तो तीसरे की बात करें अगर इसमें थर्ड पार्ट की, तो बच्चा ये है y प्लस y का स्क्वायर और प्लस 4, इसमें कितना पद है। देखो यहाँ पे समझो,
सपना, अजय गेमिंग, नरेश भाई ज़्यादातर तो हमारे गेमिंग वाले हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं पिल्ले भर के ना, ये सब एक ही चैनल बना लेते हैं, दिन भर गेम खेलते हैं, इनको पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम बदल गया। पहले वो समय था जब कोई बच्चा 9th में 8th में कि हाई स्कूल इंटर तक अगर मोबाइल लेके जाता था तो खूंदा जाता था कि स्कूल में मोबाइल काहे लाया है। आज कक्षा 2 का बच्चा भी मोबाइल में ही स्कूल चला रहा है। हाँ, मतलब उसको इस कथन को और करनी को सब उल्टा कर दिया कि स्कूल मोबाइल में चलेगा, यानी स्कूल ही मोबाइल में आ गया, मोबाइल में स्कूल नहीं ले जाना है। हाँ, मतलब स्कूल में मोबाइल नहीं ले जाना है, स्कूल ही मोबाइल में आ गया है ना। तो इसमें 3 पद हैं, क्योंकि ये ना जुड़ेगा इसमें ना घटेगा, कोई बदलाव नहीं हो सकता, तीनों अलग अलग हैं, इसलिए कितने पद हैं, 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद हैं बच्चा, ठीक है। तो ये त्रिपदीय बहुपद है। तो इसी तरह से आप सब अकेले अकेले हैं, जोड़ा ओड़ा है ये नहीं, कौन का बताएं। एक ठीक और बताओ, ये कितना पद है भैया, हमें देखो आपकी बुकिया में दिया होगा ये 7वां नंबर, 7x³। इसमें कितना पद है बताओ। उपासना, चाइना अवस्थी, भाई नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, हा? तुम थोड़ा लेट नहीं हुए हो बेटा, तुम बहुत लेट हुए हो, क्लास खत्म होने वाली है, कमाल के हैं लल्लू। अच्छा चाचा, तुम 8 बजे आ रहे हो, कह रहे हो कि थोड़ा लेट हुए हैं। इनका नाम बहुत बड़ा है, इतना चौड़ा सा है, मुझे पढ़ नहीं पाया क्या नाम था। ये कह रहे हैं कि सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए, मतलब क्लास तो हमारी चल रही 7 बजे से, ये जुड़ रहे हैं 8 बजे। इनका कह रहा है त्रिघात गलत बताया है। उपासना, त्रिघात नहीं बता रहा हूँ, ये त्रिपद है, सॉरी, हाँ त्रिघात बताया क्या मैंने, ये यहाँ घात की बात नहीं हो रही, यहाँ पद की बात हो रही, सॉरी अगर मैंने त्रिघात बताया तो। ये द्विघात त्रिघात नहीं, ये द्विपदी है, ये त्रिपदी है, ठीक है। यहाँ पर एक पद, द्विपद, बहुपद, ये कौन सा मतलब है वो बताना है। क्या क्या बताना था इसमें, घात वाला बताना था क्या, ये 5वां चल रहा है ना। एक मिनट, देखो मैं दोनों एक साथ बता देता हूँ, सब क्लियर हो जाए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, जिनके बुक में घात वाला बताना हो, जिनके में पद वाला, दोनों क्लियर कर लो, ठीक है, दोनों क्लियर कर लो। इसमें कह रहा था कौन कौन बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं, कौन त्रिघाती हैं, इसमें घात की ही बात करना था ना, ठीक है, समझो मैं फिर से पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, समझ लो। देखो बच्चा, इसमें अगर पद की बात करें तो ये द्विपदी है, द्विपदी है, ठीक है, लेकिन अगर घात की बात करें तो ये कौन सा है, ये त्रिघाती है, याद रखना, क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम घात 3 है, ठीक है, तो लिख लो इसको त्रिघाती, चलो फटाफट लिखो। हाँ, मैं दोनों चीज़ इसमें क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें देखो आप लोग, क्योंकि मैं कुछ और बता रहा था, यानी इसमें दोनों चीज़ मैं आपका क्लियर कर दूंगा, घात वाला और पद वाला, ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप लोग हाँ आंसर मिलाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझो गलत नहीं बताएं, अबे तुम लोग का दिमाग सही नहीं है। देखो क्वेश्चन में आपसे, हाँ मैं मानता हूँ क्वेश्चन में आपसे पूछा है घात के बारे में ही बात करना है, पद के बारे में बात नहीं करना है ना, लेकिन इसमें हमने इतना किया है कि हम पद के बारे में बात कर रहे हैं, घात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यही कह रहे हो ना आप लोग, यही कह रहे हो ना, तो हम दोनों चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये त्रिपद है, हाँ अगर घात की बात करें तो ये द्विघाती है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है, ठीक है, अधिकतम घात क्या है बच्चा, 2 है, तो आप लोग चलो समझ लो इसको, ये द्विघाती समीकरण है, क्या है, द्विघाती समीकरण है, और अगर पद की बात करें तो ये त्रिपद है, क्या है, त्रिपद है, और इस पे क्या बात करें, ये द्विपदी पद है, यानी इसमें द्विपद है, लेकिन अगर घात की बात करें तो ये त्रिघाती है। देखो दोनों क्लियर कर लो, इसमें हमसे इतनी चूक हो रही थी कि इसमें हम आपको पद के बारे में बात कर रहे थे, घात के बारे में बात नहीं कर रहे थे, है ना, समझ रहे हो ना, यानी हमें इसमें क्या करना है, पावर के बारे में बात करना है, ये जरूरी है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है, पद के बारे में बात करो या ना करो, लेकिन मुझे यही ध्यान नहीं था क्योंकि मैं कुछ और बता रहा था, ठीक है, लेकिन जो बता रहा था बेटा वो सही था, उसमें कोई गलत नहीं था, क्वेश्चन में मैं कुछ और समझा रहा था, आपको समझाना कुछ और था, बस इतना है। तो ये हो गया, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हाँ
इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं बता देता हूँ, उसको भी समझ लो। आपके काम का इसमें सिर्फ यही उत्तर है, त्रिघाती। उत्तरमाला में आपके त्रिघाती दिया होगा, द्विपदी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पद के बारे में पूछा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बताया हूँ इसलिए मैं लिखा हूँ। चलो तो कुछ एक्स्ट्रा सीख लोगे तो खराबेगा नहीं। हाँ, पहले के बारे में बात कर लेते हैं, जो पहला मैंने छोड़ दिया मतलब बता दिया आपको, आगे चल दिए। तो जो बच्चे उत्तरमाला मिलाएंगे, हाँ उन्हें दिक्कत होगी क्योंकि मैंने पद के बारे में बात किया है, घात के बारे में बात नहीं किया है। हाँ तो बच्चा पहला क्वेश्चन था ये ना, आपको इसमें बताना है ये कितना घात का है बस। तो आप लिखोगे इसमें द्विघात, क्या लिखोगे? द्विघात। ये आपका आंसर है बुक वाला, द्विघात। क्या है? द्विघात है, ठीक है। लेकिन अगर पद की बात करें तो ये द्विपद है। क्या है? द्विपद है, समझ गए ना। ये द्विघात समीकरण है, अगर पद की बात करें तो क्या है? द्विपद है, ठीक है। मोनोमियल जानते हो, और वो अभी क्या बताया था मैंने, यही से कुछ बताया था ना, मोनोमियल और बाइनोमियल। तो ये क्या है? बाइनोमियल है, द्विघात है, यानी क्वाड्रेटिक है। द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से आपको सब चीज़ समझ के चलना है। आपका जो बुक में क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कितना घाती है, तो आपको द्विघाती बताना है बस, क्वाड्रेटिक। लेकिन कितना पदी अगर, तो द्विपदी है। एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, द्विघाती का मतलब द्विपदी नहीं होता है, दोनों में अंतर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वन लिखूं, तो बच्चा ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर पद की बात करें तो ये त्रिपद है। देखो जो चीज़ पढ़ो ना उसको एकदम घोल के पी जाओ, समझ रहे हो ना। इसमें तीन पद है, एक दो तीन, इसलिए क्या है? त्रिपद है। इसकी अधिकतम घात दो है, अधिकतम घात दो है, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण है। समझ में आया ना? तो सब चीज़ समझो, अच्छे से पढ़ो, पूरा एकदम गहराई से उसमें घुस जाओ। हाँ, मारो एकदम धुआं धुआं कर दो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो ना। आपकी बुक में सिर्फ इतना ही पूछा है कि ये किस प्रकार का समीकरण है, द्विघात है कि त्रिघात है कि रैखिक है, बस। लेकिन हम आपको इसमें एक एक्स्ट्रा ये भी बता रहे हैं कि वो कितना पद का है, द्विपद है, त्रिपद है, एक पद है। हाँ चलो, ठीक है, साइंस का पीडीएफ बेटा मिल जाएगा। हाँ साइंस का पीडीएफ मिल जाएगा। देखो पहला चैप्टर खत्म हो गया है, आपका पीडीएफ आज रात तक हम डलवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। साइंस का पहला पार्ट खत्म हो गया है, उसका टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझ लो, पीडीएफ मिलने का ये मतलब नहीं कि दद्दा किधर आराम से बैठे रहो, हम नहीं लिखना पढ़ना नहीं है, पीडीएफ मिल गया है। उस पीडीएफ में जो मिलेगा ना बेटा, उसको तुम्हें कॉपी में लिखना पड़ेगा, हम चेक करेंगे। हाँ उसको लिखना पड़ेगा, जितना लिखोगे ना उतने तैयार होगा, नहीं लिखोगे तो कुछ होगा नहीं। तो आपका 2.1 हो जाएगा ख़त्म। हाँ ये भी देख लो, सातवां वाला, ये कह रहा कितना घात का है, चलो बताओ। 2.1 का पाँचवा का सातवां जल्दी बताओ, 2.1 का पाँचवा का सातवां ये कितना घात का है भाई, चलो जल्दी से फटाफट कोशिश करके बताओ आप लोग। हाँ देखो बच्चा, अगर इसमें हम घात के बारे में बात करें, हाँ अगर इसमें घात के बारे में बात करें तो ये त्रिघाती है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है? तीन है। लेकिन अगर पद की बात करें तो ये एक पद है। क्या है? एक पदी है, ठीक है। क्या है बच्चा? ये एक पदी है, एक पदी मतलब मोनोमियल है, ये मोनोमियल है। एंड अरे क्या बोलते हैं उसे, वन पावर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसका त्रिघात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, आप लोग इंग्लिश बताओ तो, इसकी इंग्लिश मुझे बहुत कम आती है। इंग्लिश क्या बोलेंगे इसे, जैसे दो घात को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, हाँ ट्राइनोमियल ऐसे कुछ होता है, हाँ है ना, यही होता है ना। तो समझ रहे हो ना आप लोग, विनोद म्यूजिक वर्ड समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, काफ़ी कोशिश कर रहे हो भाई। अंजलि ठीक है, दिलीप सबका हो गया, सब लोग कर लिए, ठीक है, चलो बच्चे बहुत अच्छे। तो आपका ये 2.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब मैं थोड़ा सा बच्चों से बात करूंगा। बच्चों आप लोग ये बताओ बाबू कि आप लोग कहां कहां से जुड़े हो, आपका जिला कौन सा है और राज्य कौन सा है, दो मिनट आपके लिए टाइम होगा। आप सभी जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो कि आप कहां कहां से जुड़े हो, चलो फटाफट बताओ। हाँ क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, चलो
पीबीआर स्टडी में पैसा लग रहा है। सपना मीना कहाँ पैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ तुम्हारा दिमाग उमाग गड़बड़ चल रहे का? क्लास बिल्कुल फ्री होती है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होती है, कोई पैसा नहीं लगता है, और सभी सब्जेक्ट का क्लास बहुत जल्दी ही चलेगा। साइंस मैथ चल रहा है, इंग्लिश भी चलवा देंगे, सब चलेगा, आप प्यार से पढ़ो। सभी पहले ये बताओ मुझे, कौन कहाँ से जुड़ा है, आपका जिला कौन सा है और आपका राज्य कौन सा है, मतलब आपका शहर आपको बताना है। ठीक है बच्चा, जल्दी बताओ तो मुझे, जल्दी से फटाफट देखता हूँ मैं कौन कौन बताता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसमें पढ़ नहीं पाऊँगा इतना तेज में तो। हाँ चलो देख लेता हूँ फिलहाल। सीतापुर से हैं भाई इस्माइली चैनल, धोनी गुप्ता बिहार के आरा से हैं। देखो जो जिला और राज्य दोनों लिखेगा मैं उसी का बोलूँगा, जो सिर्फ जिला लिखेगा या सिर्फ राज्य लिखेगा मैं उसका नहीं बोलूँगा, जो दोनों लिखेगा जिला और राज्य मैं उसी का कमेंट पढ़ने वाला हूँ। ठीक है चलो बच्चा, वेरी गुड भाई। रायबरेली के उत्तर प्रदेश से हैं दीपक कुमार। शाह शुभाम जी नेपाल से हैं भाई, बहुत अच्छी बात है आप नेपाल से पढ़ रहे हो। प्रीतम विश्वास यूपी के गाजीपुर से हैं, और श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या से हैं अंश यादव। बूंदी राजस्थान से भैरव गेमिंग जुड़े हैं। स्लो नहीं करने वाले? नहीं नहीं, आज तुम पूरा दिल लगा के कमेंट कर लो, मैं स्लो मोड नहीं करूँगा, खूब कमेंट करो, दबा के करो। चलो प्रियंका जी हैं यूपी के प्रयागराज से, मतलब यही हमारे इलाहाबाद से पड़ोसी हैं। और लखनऊ उत्तर प्रदेश से ब्रोडिस जुड़े हैं। हरदोई से मिस्टर परफेक्ट जुड़े हैं। धोनी गुप्ता अनूप यादव ये लखीमपुर यूपी से हैं। संतोष जी कोडरमा झारखंड से जुड़े हैं, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। राजस्थानी बच्चे भी कम नहीं हैं, जयपुर के राजस्थान से श्रवण गुर्जर हैं, और बिहारी तो भाई इनकी तो बात ही कहाँ कम है, बिहारी तो सबसे आगे होते हैं। हाँ एक बिहारी सौ पे भारी। तो बिहारी जी भाई जुड़े हुए बहुत से, आरा से भी हैं, पश्चिमी चंपारण से हैं, पूर्वी चंपारण से हैं, और कौन कौन सा आपका रोहतास से भी दिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है नेपाल मलनगवा से हैं शाह शुभम भाई। देखो तुम्हें हिंदी वहाँ पे समझ में आती है क्या? हाँ सभी बच्चे फटाफट बताओ। कैमूर के बबुहा से हैं ये कौन है भाई? रामानंद सिंह, कैमूर मतलब बिहार, ये भी बिहारी हैं। आजमगढ़ से राहुल यादव हैं। झारखंड के पलामू से स्टडी रामानुजन है। वहीं संतोष त्रिपाठी रेवा के मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। तो बच्चों जो अभी अभी जुड़ रहे हैं वो ये समझ लें कि क्लास आपकी ख़त्म हो गई है, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का परिचय कर रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना। क्लास आपकी 7:00 से 7:45 तक होती है, आज मैंने 8:00 तक पढ़ा दिया। अगर बच्चे अच्छी खासी संख्या में जुड़े होते हैं तो क्लास का टाइम हम बढ़ा देते हैं। ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। देखो फालतू का जो कमेंट कर रहे हैं ना उनको हम ब्लॉक कर देंगे, ये जान लो। कुछ ऐसे ऐसे नालायक हैं जो लंदन और अमेरिका लिख रहे हैं। तुमको पढ़ना नहीं है तो बेटा तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू कमेंट करोगे तो मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगले दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ ऐसे पानी के बाहर निकाली हुई मछली की तरह तड़पड़ाओगे, फिर कमेंट वमेंट नहीं कर पाओगे, रोओगे, फिर फ़ोन करोगे तो फिर क्या कुछ होगा नहीं। हाँ चलें फिर, फिलहाल लगभग मुझे लग रहा है कि सबका परिचय हो गया है। वहीं निर्देश कुमार अभी अभी आए हैं, ये प्रतापगढ़ यूपी से हैं, और ये नालायक रामानंद, बेटा तुम्हें मैं ब्लॉक कर दिया हूँ, ठीक है 5 मिनट के लिए। नाम तो तुम्हारा बहुत सम्मानीय है लेकिन तुम्हारा काम बड़ा गंदा है। पीपी गुप्ता छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से जुड़े हो, ठीक है अच्छी बात है भाई, ये जिला है एमपी का। सिकोहाबाद से मनु राजपूत हैं, कमाल है। ये कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज कुछ और बताते हैं, कल कुछ और बताते हैं, मुझे फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं, हमें तुम लोग के घर नहीं आना है कि तुम कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, बस सिर्फ ऐसे पूछते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे कितनी कितनी दूर से जुड़े हैं। गढ़चिरौली मध्य महाराष्ट्र से हैं तनु हजारे, और रामपुर यूपी से हैं मसरी पासा, नाम इनका बड़ा खतरनाक है। कानपुर से एंजल जुड़े हैं। जेके लाइट जौनपुर से जुड़े हैं, मतलब हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हैं अधिकतर वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, झारखंड के हैं, महाराष्ट्र के हैं, और गाजीपुर के हैं, अमेठी, अयोध्या, प्रतापगढ़, मतलब
10-20 जिले से हैं यही मिला के, है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। तो फिर बंद किया जाए क्लास, ज़्यादा टाइम नहीं है आज के लिए, इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद। हाँ ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू बच्चे, मिलते हैं फिर कल सुबह 7 बजे साइंस पढ़ना। और जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है, बेसिक सीखना है शुरू से, बेटा रात के 9 बजे लाइव आ जाना, ठीक है। रात के 9 बजे से जिनको बेसिक नहीं आती उनको सिखाया जाएगा, कब? रात के 9 बजे, ठीक है। रात के 9 बजे आ जाना जिनको बेसिक सीखना है। जिनको भी आपके घर में, अगर आपके कोई सिस्टर हैं, कोई ब्रदर हैं, आपकी भाभी हैं, भैया हैं, जिनको मैथ नहीं आती है, वो कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, अगर वो मैथ को लेकर के टेंशन में हैं, तो उनको बता दो कि PBR स्टडी में रात 9 बजे से बेसिक मैथ पढ़ें, गारंटी के साथ और फ्री सिखाया जाता है, ठीक है, रात 9 बजे से। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वो रोज़ क्लास देख पाएँ, ठीक है। क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चलती है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्लास आपकी कुंभ नगरी उत्तर प्रदेश से चलती है। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा आपकी 9 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।